हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर रॉय। आप इसे मकर संक्रांति कहें, पोंगल कहें, लोहरी कहें, बिहू कहें, नाम अलग अलग हैं, लेकिन ओकेशन एक ही है। मैं इस वीडियो के जरिए विल बी फोकसिंग मेनली ऑन द मकर संक्रांति पार्ट, और उसमें भी वेरी स्पेसिफिक सेक्शन। वेल, जैसे आपको पता ही है, इस फेस्टिविटी में अलग अलग डेलिकेसीज बनते हैं, लेकिन एक डेलिकेसी जो हर टाइप ऑफ स्वीट या आप कुछ भी कह ले उससे स्टैंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं चुंगा। चुंगा पीठा या चुंगा पूरा पीठा इज वेरी मच पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दिस इज बींग सेलिब्रेटेड बाई बेंगोलीज, एसमीज एंड ऑल अदर ट्राइबल पीपल हु लिव्स इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। चुंगा पीठा, एज द नेम सजेस्ट, इज made inside a bamboo. I mean, rice is put inside a bamboo, और उससे यह processing होता है। So it's a very unique, और यह आपको कहीं और इतने easily देखने को नहीं मिलेगा। So please watch this video till the end, और आप देखें कि चुंगा पीठा बनाने का process क्या है। Enjoy this local delicacy sitting in the comfort of your home. आप चुंगा पीठा बनाने के लिए चुंगा का जरूरत सबसे ज्यादा है, और चुंगा होता है ये बांस। इस बांस को डोलू बांस कहते हैं, और एक बांस का हाइट अराउंड 15 टू 18 फीट होता है, और एक एक बांस से अराउंड 4 से 5 ऐसे छोटे छोटे पीस निकलते हैं, और इसी के अंदर हम बाद में चावल को स्टफिंग करेंगे। तो चलिए, बांस का अरेंजमेंट तो हो गया, हम निकल पड़े बांस को लेके, और अब हम जा रहे हैं दूसरा इंपॉर्टेंट मटेरियल, बनाना लीफ को लाने। ये हम चल पड़े आंटी के पीछे, इनके घर के अंदर से होते हुए, रूरल हाउस, रूरल विलेज, विलेज लाइफ। एंड दिस इज हाउ अ स्मॉल बनाना गार्डन लुक्स लाइक। और अगर आप में से किसी ने अभी तक बनाना लीफ नहीं देखा है, तो ये होते हैं बनाना लीफ। तो आंटी ने एक बड़ा सा बनाना लीफ काट लिया है, और काट के वो चल पड़े बेंबू की तरफ। तो आंटी ने तो बड़ा पीस काटा, अभी क्या है ना, इसको छोटे छोटे पीसेस में काटने हैं एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द साइज ऑफ योर बेंबू। अब एक बांस में तो पूरा लीफ आएगा नहीं, तो देखिए आंटी कैसे इसको बारीकी से काट रहे हैं, एक ब्लेड लेके हाथ में बिल्कुल बारीकी से पत्ते को काटा जा रहा है। अब बांस के अंदर डालने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पत्ते साफ सुथरे हो। आपने देखा होगा पत्ते में काफी धूल मिट्टी था, तो यह बहुत जरूरी है फ्रॉम हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप पत्ते को अच्छे से धो लो, साफ सुथरा कर लो। तो पत्ते अभी धुल गए, और हम बांस और पत्ते को लेके हमारे घर पहुंच गए। बच्चे काफी खुश है, लोग काफी खुश है। अभी बेंबू को धोने का टाइम आ गया। हमने पत्ते को धो लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बेंबू को भी धोना इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप ये ध्यान रखना, इसको सर्फ या साबुन से नहीं धोना है, इसको नॉर्मल प्लेन वाटर से ही धोना है, जैसे ये अभी धो रही है यहाँ पे। धुलने के बाद आप बनाना लीफ को फिर से लो, और बांस का साइज को देखो। जो बांस का जो ओपनिंग होता है जहां से आपको पत्ते डालना है, अगर वो छोटा है तो बनाना लीफ को आप और छोटा कर लो फाड़ के, और इसको ऐसे करके राउंड कर लो। एक बांस के अंदर ऐसे 3-4 राउंड ऑफ बनाना लीफ चले जाएंगे, और आपको डालना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये डाल रही है, बिल्कुल बारीकी से, प्रोसेस को एंजॉय करते हुए, पीस ऑफ माइंड, एंड हियर इट गोज इनसाइड। ऐसे करके आपको 2-3 राउंड में बिल्कुल बनाना को फुल करना है पत्ते डाल डाल के।
ऐसे आप टैप टैप करोगे तो पत्ता नीचे चला जाएगा, उसके ऊपर आप दूसरा ही ऐसे पत्ते राउंड करके डाल दो। तो पत्ते का काम तो बाहर हो रहा है, हम अभी आ जाते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट मटेरियल, राइस। दिस इज स्टिकी राइस, लोकली नोन एज बिरून चावल और ग्लूटिनस राइस। हम इसको थोड़ा पानी में भिगो कर रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसी को हम बाद में अंदर बैम्बू के अंदर स्टफिंग करेंगे। कुछ देर के लिए आप इसको भिगो के रख दो। अब बैम्बू के अंदर चावल डालने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि बैम्बू में चावल बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है। अगर आपका बैम्बू 4 फीट का है तो जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, आपको इसके अंदर राइस हाफ से हल्का सा ज़्यादा डालना है और पानी उससे हल्का सा ज़्यादा, और ऊपर का स्पेस आपको ब्लैंक छोड़ना है। एंड दिस इज हाउ द बैम्बू लुक्स लाइक आफ्टर यू हैव इंसर्टेड द बनाना लीफ। ब्यूटिफुल, इजंट इट? अभी आपने चावल जो पहले भिगो के रखा था उसको लाके बैम्बू के अंदर स्टफिंग करना है स्पून के साथ, जैसे ये कर रही है। आपको बैम्बू को बीच बीच में टैपिंग करते रहना है ताकि उसका अंदर स्पेस बना रहे और आप बैम्बू के अंदर और चावल डाल सको। हाँ, आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि चावल हाफ से ज़्यादा बैम्बू के अंदर नहीं डालना है। आप ऐसे करके आपको जितना बैम्बू में राइस बनाना है आप उतने सारे बैम्बुओं के साथ सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। और बैम्बू ऐसा दिखता है चावल के साथ जब आप इसके अंदर राइस इंसर्ट कर देते हैं। अभी आपको बैम्बू के अंदर पानी डालना है। उसके बाद आपको बनाना लीफ लेके जो ऊपर का खाली स्पेस था बैम्बू के अंदर उसको अच्छी तरह से टाइटली सील करना है। चलिए, जब तक वहाँ पे बैम्बू सील हो रहे हैं, हमने बच्चों पार्टी को काम में लगा दिया ये वुडन भूसा लाने के लिए। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे लकड़ियों को, बम्बुओं को जलाने के लिए। मेहनत करते हुए बच्चे, और ये है वो भूसा, और ये इसमें आग जलाते हुए अभी धीरे धीरे आग को, अगर भूसा गीला है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जलने में, लेकिन हमारा वाला कुछ देर बाद जल गया अच्छे से। और ऐसे करके फिर हम एक एक बैम्बू आग के ऊपर रखते जाएंगे, काइंड ऑफ अ बारबेक्यू, इजंट इट? आपको ये ध्यान रखना है कि द फायर शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको वहां पे बैठे रहना है और आग से दूर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप चले जाओगे तो बैम्बुओं का जलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको मैं ये बता दूं, ये एक स्पेशल टाइप का बैम्बू है जो इतने इजीली आग नहीं पकड़ता है बिकॉज ऑफ ए स्पेशल सब्सटेंस इनसाइड द बैम्बू। हैविंग सेड सो, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप आग को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते रहो, जैसे ये यहां पे बैठ के कर रही है। तो बेसिकली आप यहां से हिल नहीं सकते। आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके पक रहा है, बैम्बू भी बॉयल हो रहा है और इसके साथ साथ इसके अंदर का राइस भी बॉयल हो रहा है।
ये बेम्बू एक प्रेशर कुकर के तरह ही काम करता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट आपको ऐसे हाथ लगा के इसको फील करना होगा कि बेम्बू धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बेम्बू सॉफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर का राइस भी बनने लग गया है। आपको ऐसे टैप करके देखना पड़ेगा। अब देखिए इसके अंदर से पानी निकलना चालू हो गया है। इसका मतलब द राइस इनसाइड इज ऑलमोस्ट कुक्ड, बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह, राइट। प्रेशर कुकर सीटी मारता है, यहाँ पे सीटी नहीं आएगा, बट ये सब इंडिकेशन से आपको जानने के लिए कि अंदर का चावल लगभग पक गया है। इसमें से स्टीम निकलेगा, पानी निकलेगा थ्रू द सील जो आपने सील लगाया हुआ है। दोस्तों फाइनली मेरा चुंगा रेडी हो गया है। द बेम्बू एंड द राइस इनसाइड इज टोटली बॉइल्ड। यू नो राइस हैपेंस टू बी माय स्टेपल फूड। मैं बचपन से चावल खाता आ रहा हूँ। आई हैव ईटन डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस कुक डिफरेंट वेज, लेकिन इसका जो स्मेल आ रहा है ना इज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। मतलब इतना स्वीट स्मेल, मतलब आपको खुशबू से ही आपको लग रहा है कि मतलब जो इसके अंदर पका है हैज़ टू बी एन अमेजिंग अमेजिंग डिश। अब कुछ ही देर बाद मैं इसको तोड़ूंगा और बेम्बू तोड़ के मैं इसके अंदर से चावल निकालूंगा। सो प्लीज़ बी विथ मी एंड एन्जॉय द प्रोसेस। यू नो मतलब कैसे हम इसको तोड़ते हैं फाइनली। इतना जो हम सुबह से लेकर मेहनत कर रहे हैं, स्टफिंग एंड बाइंग द बेम्बू एंड स्टफिंग विथ राइस, फिर पानी डालो, फिर उसको सील करो। अभी हम कुछ देर में इसको सील खोलेंगे, इसको हम तोड़ के इसके अंदर से चावल निकालेंगे। बट आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इसका खुशबू पास ऑन नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे होते, ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मेल ऑफ राइस आई हैव एवर हैड विद इन मी। So friends, this is how it finally looks like. A piece of art, isn't it? I hope you have liked this video and I request you to subscribe, like and give your comments. Thank you.